अंधभक्त का मतलब होता है कि जिसकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाए उसे अंधभक्त कहते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का ये अमेजिंग वीडियो। यहाँ राजा बोले रात है, मंत्री बोले रात है, संतरी बोले रात है, ये सुबह सुबह की बात है। यहाँ भेड़ लेती मौज है, गाय देती वोट है, सात पात की घाट पे बंधा पड़ा विकास। हम मोदी भक्त है, हम मोदी भक्त है, छाती ठोक के है कहते हम मोदी भक्त है, छाती ठोक के है कहते हम मोदी भक्त है। मैं 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। मोदी मोदी भगवान है भारत का। अच्छा? क्या है? भगवान है, भगवान वो कृष्ण के रूप में पैदा लिया है मोदी जी। बाप से बड़ा मोदी है जो बाप पैदा किया ना, एक सेकंड चुप रहो, बाप जो पैदा किया उससे बड़ा मोदी है, उतना वो भगवान है, भगवान उनका नाम है भगवान। ऐसी कपूती संतान पैदा करी, उड़ागी दलो सूबेदार साहब, मार दो अब तो, पुता चल पुता मार दो, चल मार दो सारे को। सीए है क्या, तो आप कुछ समझाएंगे कि सीए फुल फॉर्म क्या है? एज ए टू सपोर्टेड ऑफ इंडियन अदर नाग अदर कल्चर कल्चर रिलीजियन ऑफ द इंडियन द रिलीजियस ऑफ द इंडियन कंट्री। सो CAA एज ए 100% एज ए गुड एक्ट एक्सेप्टेड ऑफ माई रिलीजियस ऑफ इंडिया। फुल फॉर्म क्या सी? प्याज कितने रुपए किलो खरीद रहे हैं जी? 120 रुपए किलो खरीदे। तो ये आपको नहीं लग रहा है काफी ज्यादा महंगा हो गया? मोदी जी कुछ भी करेंगे ना, हम लोगों को पसंद है। दो रात भूखा सोना पड़े, बच्चे रात भर भूखा भी सोएंगे ना, तो मोदी जी के लिए जय जय करते रहेंगे, उस दम तक भी करते रहेंगे। और अगर मंदी आ गई और अगर खराब हो गया सिचुएशन, तो सर झेलने के लिए तैयार है। और जहाँ हम लोग झेल ही रहे हैं, तो कब तक झेलेंगे? हमारे मोदी जी तब तक प्रधानमंत्री रहेंगे, पार्टी हमारी ये रहेगी, तब तक झेलते रहेंगे उनके लिए। एक तरह से आपने देश के लिए कुर्बानी दे दी है। हाँ, दे दिया देश के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। मोदी अवतार है ये। अच्छा, विष्णु का या कृष्ण का? यो महात्मा बुद्ध का अवतार है ये। महात्मा बुद्ध का? महात्मा बुद्ध की रिंग चलती आ रही है इसकी। मोदी को कितने नंबर दोगे? 100% मोदी जी, आई लव यू। अरे गाना गा, आई वांट यू, आई लव यू मोदी जी। बाबा जी की मूर्ति, बाबा जी आई लव यू। अगर मोदी जी ने सोशल मीडिया छोड़ा तो क्या आप भी छोड़ देंगे? हाँ बिल्कुल। अच्छा। हमारे प्रधानमंत्री जी जो करेंगे हम भी वही करेंगे। अच्छा। बिल्कुल। कई लोगों का कहना है कि ये अंधभक्ति है, ऐसे पीछे पीछे छोड़ना। अंधभक्ति व्यक्ति नहीं है वो, कुछ नई रणनीति में, जैसे उन्होंने नोटबंदी की थी वैसे ही वो कुछ और करेंगे। अच्छा, चमत्कार करेंगे, कुछ चमत्कार करने वाले हैं वो। अबे साले, माफ करना, मैं इधर निकल जाता हूँ। अन्ना दो हम लोग आए थे, ये अनुसी जो है क्या बताइए, किस चीज के समर्थन में आए थे? इस समर्थन में आए थे जो मुस्लिम लोग जुलूस निकाले हैं, उस लोग को समझाने के कि आप लोग के लिए कोई कानून नहीं है बना हुआ। कौन सा कानून? MSC जो बना हुआ कानून, मोदी जी जो लागू किए हैं। क्या लागू किए हैं? नवीनता कानून जो है, किसके तहत कानून लागू किया गया है? किस पर्पज से आए थे आप लोग यहाँ पे? हम लोग आए थे इस पर्पज से, जागरूकता दिखाने के लिए, जो वो लोग निकाले आक्रोश जुलूस, वो लोग हम लोग शांतिपूर्ण। NRC और CA के बारे में कुछ जानकारी है आप लोग को? हम लोग को जानकारी तो नहीं है। नहीं है हम लोग को जानकारी तो नहीं है। हम मोदी भक्त है, हम मोदी भक्त है, छाती ठोक के है कहते हम मोदी भक्त है, छाती ठोक के है कहते हम मोदी भक्त है, हमारे दिल BJP VLA2 वेस्ट पंजाब न्यू दिल्ली मंडल इज इन इंडिया एंड मोदी फॉर सपोर्ट। एशिया भी तो बोलो, अर्थ भी तो बोलो,
ईस्ट एशिया नरेंद्र मोदी ही इज लॉन्ग लाइफ इज लार्जेस्ट पार्टी मिल्की वे इन इंडिया आर यू ऑल्सो ब्लाइंड इन फेथ ब्लाइंड इज ही इज नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर वेलकम बैक पच्चीस कंट्री के अंदर हमें वीजा की जरूरत नहीं पड़ रही अब हिंदुस्तानियों की इतनी इज्जत हो गई है 39 कंट्री में हाथ के हाथ हमको वीजा मिलता है लेकिन साहब हमें समझ में नहीं आता है कि उसको आप गालियां देते हो नीच कहते हो आप उसको अरे नहीं आप उसको जो है मौत का सौदागर बोल देते हो अरे नहीं यार आप उसको जो है आप क्या क्या गंदी नाली का कीड़ा बोलते हो आप सब कुछ बोल देते हो उस आदमी को कितना बोलते हो अरे काम कर रहा है यार देश के लिए कर रहा है यार किसके लिए कर रहा है अरे मोदी आएगा अपने देश के लिए कर रहा है मोदी आएगा उसको सब मिलेगा अरे हमारे लिए हमें वो अपने लिए क्या कर रहा है उसका कौन सा परिवार है यार कोई बात नहीं अरे सब्र का फल मीठा होता भाई माने चुप रह सर आप क्यों 24 घंटे 365 दिन काम करते हो और करते जा रहे हैं ये देश आपको डिजर्व नहीं करता है मोदी जी आप किसके लिए काम कर रहे हैं उन्हें कोई परवाह नहीं है किसी को कोई परवाह नहीं है उनको चाहिए कि बस हमें सब कुछ फ्री मिले यहाँ जमीर बिकता है यहाँ इंसाफ बिकता है यहाँ पे सिर्फ देशभक्ति उसी दिन जागती है जब 15 अगस्त होता है वो भी इसलिए क्योंकि फ्रीडम जो है ना हमें फ्री में मिला था तो मैं कहूंगी मोदी जी आप अब बाकी का जो टर्म है उसमें एंजॉय करिए प्लीज मोदी जी वी डोंट डिजर्व यू भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है कहते हैं कि यहाँ पे जो मुस्लिम्स होते हैं वो कभी वंदे मातरम नहीं बोलते भारत माता की विजय नहीं बोलते और फिर भी वो यहाँ रह रहे हैं सैलरी पा रहे हैं काम कर रहे हैं तो जो ये लोग रिस्पेक्ट नहीं करते हैं ना तो उनको तो ऑब्वियसली पनिश करना चाहिए आपको वंदे मातरम याद है याद नहीं है एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया जज्बात बदल दिए जिंदगी बदल दी मैं एक शिक्षक हूँ शिक्षक की मेरी जुआन आ रही है मैं भी पढ़ता लिखता हूँ देश का जीडीपी देश का आज जो अर्थ के जो अवस्था है प्रधानमंत्री कौन था है? पहला प्रधानमंत्री कौन था नेहरू था पहला प्रधानमंत्री द्वारा पढ़ के कौन था पहला प्रधानमंत्री पहला प्रधानमंत्री कौन था आप बताए ना सर कौन था अरे प्रधान दिया सर किसने कौन था नेहरू था आप बताइए कौन था 2 अक्टूबर किस लिए बनाया था 2 अक्टूबर क्या है कुछ 2 अक्टूबर किस लिए बनाया था 2 अक्टूबर क्या है कुछ भांग का गांजा पिए हो गया कुछ चलिए सुनाइए देखिए देखिए नहीं सुनाइए आप मोबाइल में क्यों चेक कर रहे हैं आप मोबाइल में क्यों चेक कर रहे हैं हाँ बिल्कुल गाएंगे संशयाम मल्याम सुब्रत ज्योतिषम पुलकित्याम सुमिता दुमल सुनामी सुहासिन सुमंद्र भुस्मानी वंदे मातरम बेटा तुमसे ना हो पाएगा हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे तुमसे ना हो पाएगा जी हाँ यही है सियासत की असली तस्वीर हमको समझना चाहिए जो व्यक्ति विशेष के ऊपर ही जिए व्यक्ति विशेष की तारीफ करे उसे अंधभक्त कहते हैं जो उनके गुरुदेव जो कह दे वो कहे दिन है तो दिन है रात है तो रात है उसे अंधभक्त कहते हैं पता है ना आप सबको नहीं पता है कहां पता है